ऑलराइट, तो ये वीडियो है कल के वीडियो से समझ लो, ये आगे का वीडियो है पार्ट टू। कल मैंने कहा था कि चेंज योर सर्कल, अगर आपके सर्कल में ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको मोटिवेट करते हों, आपको अपलिफ्ट करते हों, तो चेंज योर सर्कल। अब सर्कल चेंज कैसे करें? देखो, पहले पहली बात आप ये देखो कि आपके सर्कल में ज़्यादातर चांसेस तो ये होंगे कि आपके सर्कल में सभी ऐसे लोग नहीं होंगे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको अपलिफ्ट करते होंगे, जो आपका अच्छा चाहते होंगे। ऐसे लोगों को आपको पहचानना, बल्कि मैं मुझे लगता है कि आप ऐसे लोगों को ऑलरेडी पहचानते होगे, और आप उन लोगों को भी पहचानते हो जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ है ऐसा रिसेंटली, ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है। ऐसे लोगों के मैं कांटेक्ट में आया जिन्होंने मतलब ये मुझे फील कराने की कोशिश की कि जो भी मैं ये सब कर रहा हूँ, ये बुक पर वीडियोज़ बना रहा हूँ, या वो एप्लीकेशन चल रही है, यहाँ मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, ये सब बेकार है, सब फालतू की चीज़ें। तो ऐसे लोगों से फिर मैंने धीरे धीरे दूरी बना ली, कम कांटेक्ट कर लिए, कांटेक्ट ब्रेक नहीं किए, कांटेक्ट्स कम कर लिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप उनसे मिलोगे, ज़्यादा मिलोगे, ज़्यादा भाईचारा बढ़ेगा, तो फिर वो बातों बातों में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और डीमोटिवेट करने की भी कोशिश करेंगे। और पता है, डीमोटिवेट करने का एक बहुत प्यार भरा तरीका भी होता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो डीमोटिवेट कर रहा है। वो सामने वाला आपसे ये कह सकता है, ठीक है यार, तूने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चल अब ये देख, ये दूसरा काम कर ले, छोड़ से, ये आपको हटा दिया लाइन से, और आप मान भी गए, हाँ यार ये सही कह रहा है, देखो कितना मुझे प्यार से समझा रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, आपके पास एक दिमाग है, उसे भी तो चलाओ, अपनी खुद से एनालिसिस करो। आप कोई कोई वीडियो में आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्या करना चाहिए, और आपको किसी की वीडियोस के भरोसे नहीं रहना चाहिए, मेरी भी वीडियोस के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपना दिमाग चलाना सीखो, ठीक है? तो ये करना क्या है, मैंने जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे उन लोगों से आप दूरी बना लो, मतलब लड़ना नहीं है, कॉन्टैक्ट्स कम कर लो, ज़्यादा भाईचारा मत करो उनके साथ, जो लोग आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपको ये फील करवाने की कोशिश करते हैं कि जो आपका सपना है, जो आप कर रहे हो, वो सब वेस्ट है, बेकार है, फालतू है। लेकिन अगर आपको अपने सपने पर पूरा भरोसा है, अपने काम पर पूरा भरोसा है, तो उनकी बातों में मत आओ, बल्कि उन्हें ही अपने सपनों को साइड में करने के बजाय उन्हें ही। और ये किया जा सकता है कि आपके सर्कल में जो लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करो, उनसे ज़्यादा बातें कर सकते हो, उनसे भाईचारा बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा धीरे धीरे करो, किसी से दुश्मनी मोल मत लो, बस कॉन्टैक्ट्स कम कर दो ग्रेजुअली। और नई जगहों पे जाओ तो नए लोग मिलेंगे, नए लोगों से बात करो। मुझे कई लोग ऐसे ही मिले हैं जहाँ मैं नई जगह पे गया हूँ और वहाँ मुझे इतने बढ़िया लोग मिले हैं, मेरे मतलब बहुत जिगरी दोस्त बने, भाईचारा बढ़ गया उनसे, तो ऐसा है। और अगर आप बहुत ही कामयाब लोगों से दोस्ती करना चाहते हो, तो बहुत आसान तरीका है, उनकी बुक्स पढ़ो। उनकी बुक्स पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि वो कैसा सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है, और वो ज़रूर आपके थॉट प्रोसेस को भी अफेक्ट करेगा, करता ही है। तो इसे समराइज़ करूँ तो देखो, जो टॉक्सिक लोग हैं, आप उनसे ग्रेजुअली दूर जाओ, सडनली जाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे 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 कॉन्टैक्ट्स कम कर दो, और दुश्मनी मोल मत लो किसी से। 4 दिन की ज़िंदगी है, बड़े लोगों के जैसी बात कर रहा हूँ, और ये जुल्फ़ें यहाँ आ गई हैं, देखो पीछे कर लो इन्हें, फिर आगे सामने, हाय, अरे हाँ। तो ऐसा है। और दूसरा मैंने बोला है कि अगर आप फेमस का बहुत कामयाब लोगों को समझना चाहते हो, उनसे दोस्ती करना चाहते हो, तो उनके बुक्स पढ़ो। एक और तरीका है, आप उन्हें फॉलो करो, जो लोग सोशल मीडिया पर उन्हें तो फॉलो कर सकते हो, उनके वीडियोस देखो, ये सबसे पता चलता है कि वो लोग किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।